तो अगर आपने भी कनाडा स्टडी वीज़ा के लिए ऑलरेडी अप्लाई करा हुआ है और आप वेट कर रहे हो कि कब आपकी एप्लीकेशन का डिसीजन आएगा, कब आपकी पासपोर्ट रिक्वेस्ट आएगी और आपके हाथ में वो वीज़ा आएगा जिससे आप कनाडा अप्लाई कर पाओगे, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो डिसीजन आएगा कब। चाहे आपने कभी भी अप्लाई कराओ, किसी भी महीने अप्लाई कराओ या किसी भी दिन अप्लाई कराओ, मैं आपको एक एस्टिमेटेड टाइमलाइन देने वाला हूँ कि आपका डिसीजन कितने दिन बाद या कितने महीने बाद आ सकता है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले मैं अपनी बात करता हूँ। कुछ ही दिन पहले मेरी पासपोर्ट रिक्वेस्ट आई थी, मतलब मेरा वीज़ा जो है वो अप्रूव हो गया था। मैंने उसके ऊपर एक ब्लॉग भी बनाया था जो कि आप चेकआउट कर सकते हो, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी जो है उसका लिंक दे दूंगा। तो उसमें भी मैंने आपको अपनी टाइमलाइन बताई थी, वो इस वीडियो में मैं एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ कि मैंने वीज़ा अप्लाई करा था 15 अक्टूबर को, 18 अक्टूबर को मेरे जो है वो बायोमेट्रिक्स हुए थे और मेरा जो पासपोर्ट रिक्वेस्ट आई है वो आई है 12 जनवरी को 2022 में, और जो अप्लाई करा था वीज़ा 2021 में अक्टूबर में करा था। तो ये थी मेरी पूरी टाइमलाइन और मुझे जो मेरी फाइल को लगे 2 महीने और 27 दिन, लेकिन मुझे लगता है ये थोड़े ज़्यादा हैं, इतने यूजुअली लगते नहीं है। और मेरी प्रेडिक्शन बताने से पहले मैं एक और चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपने नॉन एसडीएस कैटेगरी में अप्लाई करा है तो उसकी जो प्रेडिक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि आपने देखा होगा कई बार क्या होता है कि एसडीएस कैटेगरी से पहले जो है नॉन एसडीएस के वीज़ाज आ जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में नॉन एसडीएस वीज़ाज जो है वो लेट आते हैं कंपेयर टू एसडीएस। तो इस वीडियो में मैं एसडीएस कैटेगरी को टारगेट ही करके ही चलूंगा। एसडीएस कैटेगरी मतलब कि आपने पूरे एक साल की फीस भरी हो और आपके मिनिमम 6 बैंड ईच आए हो तो वो आपकी एसडीएस कैटेगरी में फाइल आती है। तो मैंने भी एसडीएस कैटेगरी में अप्लाई करा था और मैंने जो लाइक बाकी सारी फाइल स्टडी करी है वो भी सारी एसडीएस कैटेगरीज की थी, तो मुझे एसडीएस कैटेगरी का अच्छे से आइडिया है कि कितने दिन में कितने टाइम में वीजा आ सकता है। तो अब बात करते हैं वो एस्टिमेटेड टाइमलाइन की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया मेरी फाइल ने लिए थे 2 महीने और 27 दिन, 2 मंथ्स 27 डेज, लेकिन मुझे लगता है ये थोड़े से ज्यादा है, मेरी फाइल ने थोड़े ज्यादा और दिन ले लिए, क्योंकि बीच में ना काफी सारी हॉलीडेज और काफी सारा गैप आ गया था, न्यू ईयर क्रिसमस ये सब आया था बीच में, 5-6 दिन की तो ऐसी और हॉलीडेज चली गई थी। इसलिए मुझे लगता है कि आपको मिनिमम टू मिनिमम 2.5 महीने वेट करना चाहिए, मतलब 2 मंथ्स 15 डेज या फिर 2 मंथ्स 20 डेज के आसपास, तो 2.5 महीने या उससे हल्का सा ज्यादा, इसके अराउंड आपका जो रिजल्ट है वो आ सकता है। मतलब आपको 2.5 महीने तक तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, अपना जितना भी जीसी की अकाउंट है, जो भी आपका ईमेल है, वो सब भूल के बैठो घर पे, आराम से चिल करो, आप नई स्किल सीखो, कुछ नया ट्राई करो और मजे करो। लेकिन एक बार आपके 2.5 महीने कंप्लीट हो जाए आपकी वीजा अप्लाई करे हुए, उसके बाद आप चेक कर सकते हो कि भाई आपका वीजा आया नहीं आया, और फिर आप रेगुलरली चेक कर सकते हो, मेल चेक कर सकते हो, जीसी की भी जाके देख सकते हो कि पासपोर्ट रिक्वेस्ट आई नहीं आई, क्या अपडेट है। लेकिन 2-2.5 महीने तक तो भाई कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, तो 2.5 महीने तक भूल जाओ अपने लाइक जीसी की और हर चीज को और चिल करो। एक और चीज, काफी लोगों को ये डाउट रहता है कि यार जो डिसीजन है वो किस चीज पर डिपेंड करता है, कि आपकी वो फाइल लॉजमेंट डेट पर डिपेंड करता है जिस दिन आपने वीजा अप्लाई करा था, या फिर वो डिपेंड करता है आपके बायोमेट्रिक्स की डेट पर। तो इसका भी मैंने काफी सारी फाइल्स देखने के बाद मुझे इसका आंसर पता चल गया है। तो आपका जो वीजा का रिजल्ट है वो डिपेंड करता है आपकी फाइल लॉजमेंट डेट पे और ना कि आपकी बायोमेट्रिक पे, क्योंकि देखो बायोमेट्रिक आपने एक बार करवा, अगर आपने फाइल लॉज करी है आज, तो आप अगले 10 दिन में 15 दिन में 20 दिन में बायोमेट्रिक करवा ही लोगे, लेकिन आपका जो मेन प्रोसेसिंग टाइम है वीजा का वो डिपेंड करता है आपकी फाइल लॉजमेंट डेट पे, क्योंकि ऐसे काफ़ी सारे केसेस थे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैंने अपना बायोमेट्रिक करवाया था 18 अक्टूबर को और मेरे साथ ही एक और बंदे ने अपना बायोमेट्रिक करवाया था जिसकी फाइल लगी थी सितंबर में, लेकिन मेरी लगी थी 15 अक्टूबर को, तो हमारी फाइल के बीच में कुछ 15 से 20 दिन का गैप था और उसका वीज़ा मुझसे 15-20 दिन पहले ऑलरेडी आ चुका था, जबकि हमारा बायोमेट्रिक सेम डे को हुआ था। तो इससे मुझे पता चला कि यार बायोमेट्रिक से ज़्यादा मैटर नहीं करते, आपकी जो फाइल लॉजमेंट डेट है वो ज़्यादा मैटर करती है। तो अगर आपने जिस दिन फाइल लॉज करी है उससे 2.5 महीने का गैप बना के चलो, 2.5 महीने आगे देखो कि उस टाइम तक आपका वीजा आ जाएगा। साथ में एक और चीज की, अगर आपकी पीपीआर आती है तो आपको करना क्या है, बस आपको अपना ईमेल आईडी देखनी है, वहां पे ईमेल आईडी पे आपके पास मेल आएगा। अगर आपका आपकी वीजा का कोई भी डिसीजन आता है, चाहे वो अप्रूवल हो चाहे वो रिफ्यूजल हो, आपका एक मेल आ जाएगा। अगर आपके पास जीसी की है तो वो काफी बढ़िया, जीसी की अकाउंट में आप डायरेक्टली देख सकते हो कि क्या अपडेट है। लेकिन अगर आपके पास जीसी की का अकाउंट नहीं है, आप किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई करो उन्होंने नहीं दिया, तो आप अपने जीमेल उनसे कहो कि आप रजिस्टर्ड जीमेल आईडी दे दें, या फिर अगर आपके पास ऑलरेडी है तो वो जीमेल आईडी खोलो, उसके अंदर देखो कि आपका क्या सीन चल रहा है। एक और चीज जो कि काफी लोगों को डाउट था वो ये था कि यार मेरा अभी तक मेडिकल अपडेट नहीं हुआ, या फिर मेडिकल में कोई दिक्कत तो नहीं आ गई, अभी तक अपडेट क्यों नहीं हुआ, काफी दिन हो गए मेडिकल दिए हुए। तो मेडिकल के बारे में एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं कि मेडिकल अपडेट होना नेसेसरी नहीं है, क्योंकि काफी लोगों का ऐसा भी होता है कि मेडिकल और पीपीआर सेम टाइम पे आते हैं, मतलब पहले मेडिकल अपडेट होगा फिर 2 या 3 मिनट बाद पीपीआर आ जाएगी, तो उसकी चिंता करना बिल्कुल भी मत, क्योंकि मेरा खुद का भाई लाइक मेडिकल जो है एंड में अपडेट हुआ था बिल्कुल पीपीआर के टाइम पे, तो इसलिए मेडिकल की चिंता बिल्कुल मत करो, वो वैसे भी डिलेड अपडेट होता है।
होता है, कुछ लोगों का जल्दी भी जाता है कि भाई जिस दिन फाइल लॉन्च करी उसके थोड़े दिनों बाद ही अपडेट हो गया मेडिकल, लेकिन मैक्सिमम केसेस में मेडिकल एंड में ही अपडेट होता है, जिस दिन आपकी पीपर आएगी उसके आसपास फिलहाल टाइम में अपडेट होता है। तो मेडिकल की चिंता मत करना, बायोमेट्रिक जो है वो 2 या 3 दिन में अपडेट हो जाता है बायोमेट्रिक आपके देने के बाद। तो आपने आज बायोमेट्रिक दिया तो आपका 1-2 दिन में अपडेट हो जाएगा। अब नेक्स्ट चीज के बारे में हम बात करते हैं, वो ये है कि वीजा स्टैंपिंग में कितना टाइम लगता है। वीजा स्टैंपिंग में अराउंड 15 दिन लगते हैं, 15 से 20 दिन आप लगा सकते हो, लेकिन अगर आपने VFS ग्लोबल में प्रीमियम सर्विस ली थी अपना बायोमेट्रिक करवाते हुए तो आपके शायद 10 दिन के आसपास लगेंगे। तो आप अपने वही है कि अगर आपने प्रीमियम सर्विस ली थी तो 10 दिन मान के चलो, अगर आपने नॉर्मल सर्विस ली थी तो 15 या 20 दिन मान के चलो, ठीक है। ये आपका लगता है वीजा स्टैंपिंग का टाइम। तो आपका जो टोटल प्रोफाइल का टाइम हो गया ना, देखो 2.5 महीने तो मैंने आपसे कहा हुआ है वीजा प्रोसेसिंग का टाइम, साथ में 15 दिन आप लगा के चलो वीजा स्टैंपिंग का टाइम, तो अराउंड 3 महीने या फिर 3 महीने 10 दिन के आसपास आप मान सकते हो कि आपका पूरा वीजा का टाइम लगेगा, कि जिस दिन आपने फाइल लॉन्च करी थी और जिस दिन वीजा आपके हाथ में है और आप कनाडा अप्लाई कर सकते हो। तो अराउंड 3 महीने या 3 महीने 10 दिन मान के चलना कि आपका पूरा वीजा का प्रोसेस लेगा। तो और इतना एस्टिमेटेड आप बना के ही चलो, तो और बेस्ट ये रहता है कि अगर आप किसी भी इंटेक के लिए अप्लाई करो जल्दी से जल्दी अप्लाई करो, क्योंकि कुछ नहीं पता कि क्या पता फ्यूचर में ये प्रोसेसिंग टाइम बढ़ जाए और या फिर और कम हो जाए। लेकिन पिछले कुछ महीनों से जो कि मैं नोटिस कर रहा हूँ अपनी फाइल के साथ साथ बाकी सबकी भी फाइल देख रहा हूँ, तो इतना ही आजकल चल रहा है 2.5 महीने या फिर 2 महीने 20 दिन इसके आसपास ही चल रहा है। इसके अलावा अगर आपको मुझसे कुछ भी पूछना है या फिर कुछ बात करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ये रही मेरी इंस्टाग्राम की आईडी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और बेल आइकन को भी दबा दो, जो कि कनाडा स्टडी प्रोसेस और स्टडी वीजा से रिलेटेड और भी वीडियोस आने वाली हैं, और अब तो वीजा भी अप्रूव हो गया मेरा तो व्लॉग्स भी फ्यूचर में आने वाले हैं। और अगर आपको मेरी फैमिली का रिएक्शन देखना है जिस दिन मेरी पीपीआर आई थी और मैंने पीपीआर आने के बाद आगे क्या क्या स्टेप्स लिए, कैसे कैसे वीजा स्टैंपिंग के लिए भेजा, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, मेरी प्रोफाइल क्या थी हर चीज के बारे में बताया, तो वो आप यहां से आकर चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको मेरे पूरा कनाडा स्टडी प्रोसेस के बारे में एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, वो आप यहां से आकर चेकआउट कर सकते हो, इसमें मैंने हर चीज के बारे में स्टेप बाय स्टेप वीडियोस बनाई हुई हैं, तो वो आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। दिस वाज समरजीत साइनिंग ऑफ।